कोटा एक ऐसा शहर है जहां देश भर के अलग अलग इलाकों के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। आखिरकार देश भर के पेरेंट्स अपने बच्चों को यहां क्यों भेजते हैं? यहां ऐसी क्या बात है जो बच्चों को पसंद आती है? तो जान लीजिए, कोटा जाना जाता है अपने कोचिंग स्टाइल के कारण। एक अध्ययन के मुताबिक अब तक यहाँ से 2 लाख इंजीनियर और 1.5 लाख डॉक्टर निकल चुके हैं और उन संस्थानों के साथ खड़े हैं यहाँ के शहरवासी। आज शहर में तमाम प्रदेशों से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने और खाने का बेहतरीन इंतजाम मौजूद है। शायद यही वजह है कि यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बच्चे पढ़ने आते हैं और यहीं के रंग में रच बस जाते हैं। सब एक दूसरे की भाषा, रीति रिवाज, त्योहार, खान पान सीखते हैं और परंपराओं से जुड़ते हैं। जब विभिन्न प्रांतों के बच्चे कोटा में रहते हैं, खाते हैं, सड़कों से गुजरते हैं, शॉपिंग करते हैं, मॉल में घूमते हैं, मनोरंजन में हिस्सा लेते हैं, तो उन्हें देखकर लगता है कि कोटा में बसा हुआ है एक अलग हिंदुस्तान। इस एपिसोड में हम उसी हिंदुस्तान की एक झलक प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ बसता है हिंदुस्तान के इस अंक में मैं विजय चौधरी आपका स्वागत करता हूँ। आज हम हैं कोटा शहर के अंदर। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरा हिंदुस्तान बसता है। इस शहर के अंदर 1 लाख से ज़्यादा बच्चे निवास करते हैं। बीते 2 दशकों से ये शहर देश की कोचिंग कैपिटल के रूप में जाना जाता है। अब हम कोटा के होस्टल इलाके में आ गए हैं। ये लैंडमार्क सिटी है। इस होस्टल के अंदर कई अलग अलग राज्यों के बच्चे रह रहे हैं। हम सबसे पहले मुखातिब होने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश से आए हुए मोहम्मद तनवीर के साथ में। मोहम्मद तनवीर, आप आइए, आपका वेलकम पत्रिका टीवी के अंदर। और हम मोहम्मद तनवीर के रूम तक चलते हैं और देखते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसे ये गुजार रहे हैं यहाँ पर। तो हम तनवीर के रूम में आ चुके हैं। ये रूम नंबर 113 है, इसमें तनवीर रहते हैं। तनवीर आए हैं आंध्र प्रदेश से। हम उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। आप कहाँ से? मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के पास काकीनाडा। और इधर का माहौल बहुत ही अच्छा है। आप कोटा में क्या करने के लिए आए हैं? मैं डॉक्टर बनने के लिए आया हूँ और ऑप्टोमोलॉजिस्ट बनने का मेरा एम। आप जैसे कोटा, बाकी आप जैसे स्टेट में से आए हैं, उस स्टेट के अंदर भी कोचिंग्स होती होंगी, वहाँ पर भी बच्चे रहते होंगे, अलग अलग जगह पर पढ़ते हैं। इस शहर को ऐसा क्या आकर्षण था आपको या आपके पेरेंट्स को कि आपको इस शहर में भेजा गया पढ़ने? एलएन है एक बेस्ट फैकल्टी का, इतना अच्छा फैकल्टी कहीं नहीं होता। मैं इधर 2 महीने में आ चुका हूँ, मुझे पता चल रहा है कि वहाँ मेरा लेवल कितना है, इधर आके मैं कितना इम्प्रूव हुआ हूँ। तो आपको यहाँ पर, चूंकि आप नए दूसरे स्टेट से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, यहाँ पर खान पान अलग तरीके का है, उससे आप कैसे कॉप अप करते हैं, कैसे आप उसके साथ में सामंजस्य बिठाते हैं? जी, मैं सब स्टेट्स के फूड एक एक डे एक एक अलग अलग तरह के फूड मिलता है, बहुत अच्छा होता है फूड। जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं वहाँ पर भी आपको फूड मिलता है सब तरीके का, यदि बाहर जाते हैं तो? हाँ, मिलता है पूरा अच्छे तरीके से। इधर कोटा में सब अरेंजमेंट्स है, ऐसे अरेंज किया कि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना है। तो भाई, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कितना घंटा पढ़ते हैं? मैं पढ़ता हूँ कोचिंग 6 घंटे और इधर कमरे में आके 8 घंटे पढ़ता। आप रात में जब सोते हैं तो सुबह कोई उठाने वाला नहीं होता, तो आप कैसे उठ जाते हैं सुबह पर? कैसे? बहुत सारे दोस्त है, बहुत दोस्त बना चुके हैं इधर, अलग अलग तरह से स्टेज से है, सब दोस्त एक एक कोऑपरेट करते हैं इतने वाले ऐसा पढ़ाई में सब। आप जैसे जहाँ आपके रहने वाले हैं तो वहाँ पर तो जो आपके दोस्त थे उसी एक ही जगह के थे, लेकिन ये जो जगह है यहाँ पर तो सब जगह के दोस्त आए हुए हैं। तो अभी आपका जितना टाइम हो गया है, कितने स्टेट्स के साथियों से आपका परिचय हो चुका है? उज्जैन, इंदौर और महाराष्ट्र, बिहार, ग्वालियर। तो ये जो आपको लग रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक नया तरीके का हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान को आप जी रहे हैं? तो जैसे कोई बिहार से आया हुआ है, कोई कश्मीर से आया हुआ है, कोई आसाम से आया हुआ है, तो उनकी जो दिनचर्या है, उनके जो तीज त्योहार है, वो सब आप सेलिब्रेट करते हैं किस तरीके से यहाँ पर? हाँ, करते हैं ऐसा, मतलब हम दोस्त डिस्कस करते हैं आपस, उनारे स्टेट में इतने अच्छे अच्छे प्लेसेस होते हैं, ऐसा 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 मन लगता है, मन करता है कि हम डॉक्टर बन जाए एक दिन, सब मिलके सब घूमने जाए। आप जब आपका जो लोकल लैंग्वेज होगा, उस लैंग्वेज में भी कोई बात करने वाला आपका दोस्त है यहाँ पर? हाँ, यही है ऑपोजिट रूम में, वही, वो भी आंध्र प्रदेश। तो आप आंध्र की जो भाषा है उसके अंदर कुछ बोल के बताएंगे कि
कि आपको कोटा कैसा लगा? कोटा चाला बागुंदी, मतलब कोटा बहुत अच्छा है। तो ठीक है तनवीर जी, आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहे और यहाँ से आगे बढ़े और आप डॉक्टर बने, ऑप्टोमोलॉजिस्ट बने, आपको हमारी शुभकामनाएं। अब हम कोटा में बसने वाले महाराष्ट्र में आ चुके हैं। हमारे साथ है महाराष्ट्र के सुदीप, ये महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं कोचिंग लेने के लिए। हम इनसे जानेंगे कि ये यहाँ पर कौन सा हिंदुस्तान जीते हैं। सुदीप आपका स्वागत है पत्रिका के इस प्रोग्राम के अंदर। महाराष्ट्र में आप कौन सी जगह के रहने वाले हैं? मैं नासिक मालेगांव से हूँ। यहाँ कोटा किस लिए आए हैं? मैं इधर मुझे डॉक्टर बनना है, इसके लिए इधर कोचिंग लेने आया हूँ नीट और एम्स की। आपने कोटा के बारे में क्या सुना था यहाँ आने से पहले? कोटा मतलब एजुकेशन के लिए बेस्ट सेंटर है और यहाँ के इंस्टीट्यूट स्पेशली बहुत सही है मेडिकल के लिए। मैं इसके लिए कोटा आया हूँ। यहाँ पर आप जब आए तो जब रहना शुरू किया तो यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है, उससे आपको कैसा, आपने कैसे कॉप अप किया उसके साथ में? मुझे स्टार्टिंग में तो दिक्कत बहुत आई लेकिन फिर मैं मतलब दोपहर के टाइम पे तो हमारे कोचिंग रहने की, तो मैं उधर एसी में रहने का, तो मुझे इतना टेंशन नहीं आया टेम्परेचर का। और खाना पीना कैसा है यहाँ का? ये हॉस्टल का बहुत अच्छा है। अच्छा, और जो आप यहाँ बाहर आउटिंग में कभी जाते होंगे, कुछ खाते होंगे, कभी कचौरी खाया है यहाँ का? नहीं, अभी तक तो नहीं खाया। अच्छा, यहाँ पे तीखा बहुत खाते हैं। हाँ। तो तीखा आपको पसंद है? हाँ पसंद है। महाराष्ट्र में भी तीखा ही खाते हैं? हाँ, महाराष्ट्र में बहुत टेस्टी तीखा। अच्छा, और आपकी मम्मी के हाथ का जो बना हुआ खाना है और यहाँ का जो खाना है उसमें कोई डिफरेंस है? वो तो बात ही अलग है मम्मी के खाने की, और मतलब हमको इधर तो पढ़ना है तो खाना ही पड़ेगा हमको इधर का, लेकिन यहाँ का हॉस्टल का भी अच्छा है। जिस हॉस्टल में आप रहते हैं, इस हॉस्टल में कितने स्टेट्स के वो बच्चे रहते हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर का है, उसके बाद एमपी का है, बिहार से भी है, उसके बाद से साउथ से भी बहुत जने हैं, मतलब अलग अलग स्टेट के, कोई मणिपुर का भी है। तो इन सारे बच्चों से आप क्या सीखते हैं, क्या बातें करते हैं उनके स्टेट्स के बारे में? मैंने अभी तेलुगु में एक दो शब्द सीखे हैं, जैसे मतलब किसी को कुछ देना होगा तो किसको बोलते हैं उसको। अच्छा, तो ऐसा हम करते मस्ते मजाक करते रहते हैं हम। अच्छा, तो आपको ये पता लग रहा है कि देश में अलग अलग कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कैसे कैसे रीति रिवाज हैं, किनके त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, उसके बारे में भी चर्चा होती है आपके अपने साथियों से? हाँ, होती रहती है, जैसे अभी रमजान चालू है तो फिर वो बोलते रहते हैं फिर इसमें क्या क्या करना रहता, तो ऐसे बातचीत चालू रहती है हमारी। आप इस शहर में आए हैं, यहाँ पर आप जैसे कभी आपको लगता है पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो फिर आप क्या करते हैं? गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं, गिटार बजाते हैं, क्या करते हैं आप? मैं एक तो गाना सुनता और मैं चेस का खुद का नेशनल प्लेयर हूँ। चेस के? हाँ, तो फिर मैं खुद चेस खेलते रहता। अकेले खेलते हैं? हाँ, मतलब बुक से स्टडी करता। और यहाँ भी आपको कोई साथी है जो आपके साथ चेस खेलता है? हाँ, यहाँ बहुत है, तो फिर कभी उनके साथ भी खेल रहता, कभी अपने अपने प्रैक्टिस करता। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी मैं अलजी पढ़ रहा, प्लांट डाइवर्सिटी में अलजी, तो उसके बारे में, उसका रिप्रोडक्शन स्टेज पर पढ़ रहा हूँ। तो आप हमें कुछ बता सकते हैं कि ये क्या होता है? हाँ, रिप्रोडक्शन मतलब अलजी का कैसा होता है, उसमें मतलब उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फिर वो कौन से स्पोर्ट्स बनाते हैं रिप्रोडक्शन, वो कौन से मतलब कौन से कंडीशन में बनाते हैं, वो सब उनका टाइम पीरियड कितना है, वो सब है। आपने हमने सुना है कि आपने कोई गाना भी बनाया है अपनी तरफ से, दंगल के गाने को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके। हाँ, उसका पहले तीन लाइन बनाया है। बताइए जरा। दंगल दंगल जंगल में मंगल, मेरे बाजू वाले अंकल। चलिए, अब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आप जो है, आपका जो एम है जो न्यूरो सर्जन बनने का, वो एम आपका पूरा हो। आपने पत्रिका के साथ में बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।